नमस्कार दोस्तों, जानी कैसे में आपका स्वागत है। हम रोजाना स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। आयुर्वेद में हल्दी को सबसे बेहतरीन नेचुरल एंटीबायोटिक माना गया है। इसके लिए यह त्वचा, पेट और शरीर के कई रोगों में उपयोगी की जाती है। हल्दी के पौधों से मिलने वाली इसकी गांठें ही नहीं बल्कि इसके पत्ते भी बहुत उपयोगी होते हैं। यह तो हुई बात हल्दी के गुणों की, इसी प्रकार दूध भी प्राकृतिक प्रतिजैविक है। यह शरीर के प्राकृतिक संक्रमण पर रोक लगा देता है। हल्दी व दूध दोनों की बहुत गुणकारी है, लेकिन अगर इन्हें एक साथ मिलाकर लिया जाए तो इनके लाभ दोगुना हो जाते हैं। इनमें एक साथ पीने से यह कई स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। हल्दी टर्मरिक भारतीय वनस्पति है। आयुर्वेद में हल्दी को एक महत्वपूर्ण औषधि कहा गया है। हल्दी का भारतीय रसोइयों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है और धार्मिक रूप से इसको बहुत शुभ समझा जाता है। विवाह में तो हल्दी की रसम का अपना एक विशेष महत्व है। हल्दी और दूध दोनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। हल्दी और गर्म दूध दोनों को मिलाकर पिया जाए तो इससे आपको भी ज़्यादा फायदा होता है। हर दिन हल्दी और दूध पीकर आप कई बीमारियों से और संक्रमण से बचा सकते हैं। हल्दी में विटामिन, प्रोटीन, वसा आदि सभी कुछ होता है। हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिनिक नामक पीला तत्व दिमागी संतुलन को बनाए रखने में कारगर होता है। हल्दी सभी आवश्यक पोषक तत्व रासायनिक तत्वों से परिपूर्ण है। यदि आपको सर्दी और जुकाम से नाक बंद हो जाती है तो हल्दी, शहद और काली मिर्च को मिलाकर सेवन करें और कुछ ही दिनों में फर्क पाइए। आंखों में दर्द हो तो पानी में हल्दी डालकर गर्म कर ले और ठंडी हो जाए पर छानकर उस पानी से आंखें धोएं। खांसी से निताज पाने के लिए हल्दी की एक छोटी सी गांठ मुंह में रखकर चूसे, इससे कुछ ही दिनों में खांसी से राहत मिलेगी। ठंड के मौसम में अक्सर लोगों कहते हैं कि आज बदन दर्द या सिर दर्द है, तो रोजाना आप हल्दी चूर्ण को दूध के साथ लेने से राहत मिलती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आती है तो कृपया इस जानकारी को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। यदि आप किसी समस्या के बारे में या कोई जानकारी हम तक शेयर करना चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।